अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वी ए से, दूसरा मूव कर रहा है वी बी से, इफ वी राइट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या लिखते हैं हम लोग, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो ये हम लोग देखे थे। अब अगर इसको हम लोग अप्लाई करें 2D या 3D में, वेक्टर में सब कुछ लिखना होगा आई कैप जे कैप के फॉर्म में, और ये दोनों कोई जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में, दोनों ऐसे 90 डिग्री पर जा सकते हैं, 45 पर एक दूसरे से जा सकते हैं, ठीक है, या कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो सकता है। तो इन दैट केस द रिलेटिव वेलोसिटी वी विल राइट, सेम चीज अप्लाई होता है, बस वेक्टर आ जाता है, ठीक है, सेम फॉर्मूला लगता है, वेक्टर आता है, ठीक है। अब उसी तरह अगर वी बी ए लिखें तो ये क्या होगा, वी बी माइनस प्लस में भी मार्क कर लिया लेकिन वी लिख, ठीक है, ये हो जाएगा अब देखो वी ए बी माइनस वी बी ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखे थे कि अगर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे का कुछ स्पीड दिया है तो दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले का स्पीड सीधे माइनस साइन आया था। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, देखो अगर दिया हुआ है हमारे पास, सपोज दो शिप हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, देर आर टू शिप्स मूविंग इन ए ओशियन, ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ वन ऑफ द शिप इज 50 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड एंड दूसरे शिप का डायरेक्शन है, दूसरे शिप का दिया हुआ है वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज शिप बी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ शिप ए विद रिस्पेक्ट टू शिप बी, वेलोसिटी ऑफ शिप ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस वी हैव टू फाइंड, ठीक है, ए का बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। सबसे पहले तो दोनों का अपना अपना वेलोसिटी लिखेंगे वेक्टर फॉर्म, ईस्टवर्ड किस तरफ होता है, ईस्ट इधर जनरली हम लोग प्लस एक्स की तरफ होते हैं, तो क्या लिखेंगे उसको वेक्टर फॉर्म में, 50 आई क्या, ठीक है, और ये 50 जे क्या, क्या आएगा 50 आई कैप माइनस 50 जे कैप, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स द रिलेटिव वेलोसिटी इज अलोंग ईस्ट एंड माइनस जे है एंड अलोंग साउथ, दोनों के बीच में आएगा, समझ रहे हो, देखो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, इसमें दो कंपोनेंट है, एक है ईस्ट की तरफ, दूसरा है साउथ की तरफ, मतलब हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी नेट है वो ऐसे आया है, साउथ ईस्ट आया है। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, नहीं सब्ट्रैक्ट किया ना, तो ये तो साउथ आ गया ना, नहीं ये तो शिप का डायरेक्शन नॉर्थ है, शिप का डायरेक्शन नॉर्थ है ना, लेकिन अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे तो वो आएगा साउथ, देखो क्या आ रहा है, साउथ आ रहा है ना, माइनस जे आ रहा है, तो ये हो गया 50 रूट टू किस डायरेक्शन में, ईस्ट एंड साउथ, साउथ ईस्ट,
ठीक है। अब देखो इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हो, देखो कैसे, एक शिप जा रहा है इस तरफ, दूसरा जा रहा है इस तरफ, ए वाला है ये और बी है ये, ठीक है। अब देखो हम लोग को निकालना है ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो देखो बी तो ऐसे जा रहा है, बी के रिस्पेक्ट में ए ईस्ट मूव कर रहा है, ये तो 50 आई कैप आ गया। अब देखो बी खुद जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो बी के रिस्पेक्ट में ए किधर आ रहा है, साउथ जा रहा है ना। बी इटसेल्फ इज गोइंग नॉर्थवर्ड, इट मींस ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज गोइंग साउथवर्ड, इसलिए हमारा ये साउथवर्ड आया, ये माइनस आ गया, ठीक है। ए इज गोइंग ईस्टवर्ड एंड बी नॉर्थ साउथ, अगर डायरेक्शन देखो तो ए मूव नहीं कर रहा है नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ साउथ में वो स्थिर है, लेकिन चूंकि बी नॉर्थ जा रहा है तो बी के रिस्पेक्ट में ए जो है वो साउथ आ रहा है, तो इसी वजह से हमारा ये आ रहा साउथ ईस्ट आ रहा, ठीक है। ओके एक और क्वेश्चन इस पर हम लोग करेंगे। शिप का ही करते हैं, ठीक है। शिप मूविंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन विथ स्पीड अलोंग ईस्ट, विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ईस्ट की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर विंड भी चल रहा है, ठीक है, विंड भी चल रहा है, विंड का डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, विंड का स्पीड ले लेते हैं, विंड का डायरेक्शन, विंड ब्लोइंग along northeast direction with northeast direction with velocity 20 root 2 northeast with speed 20 root 2 meter per second। समझ में आया, देखो ship दिया है, उसका speed दिया है 20 meter per second east की तरफ, और दूसरा है उसी जगह पर विंड भी चल रहा है, विंड का स्पीड दिया है 20 रूट टू अलोंग नॉर्थ ईस्ट, मतलब शिप के डायरेक्शन से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ विंड भी चल रहा है। अभी हम लोग को शिप के ऊपर जो मास्ट होता है, मास्ट समझते हैं, उसके ऊपर जो झंडा होता है, ठीक है, वो झंडा लगाते हैं, उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मास्ट ऑन द शिप, लिखो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मास्ट ऑन द शिप, find the direction of mast on the ship, okay। इस क्वेश्चन के बारे में देखो मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं। अब तुम लोग जैसे देखे होगे, मान लो एक नॉर्मली कोई भी गाड़ी चल रहा है, ठीक है, उसके आगे में छोटा छोटा झंडा लगाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी वाला सब लगाता है, ठीक है, बीजेपी का तो बसपा का तो जेएमएम का सब लगाता है, तो सब देखे होंगे, जब आगे चलता है उसका झंडा किस तरफ रहता है, पीछे रहता है, यानी कि जो विंड का स्पीड है, ठीक है, विंड मान लो ऐसे, विंड मान लो ऐसे हवा रुका हुआ है तो गाड़ी भी रुका हुआ है, तो उस केस में क्या, झंडा ऐसे नीचे रहता है, लेकिन जो विंड का स्पीड गाड़ी के रिस्पेक्ट में है उस डायरेक्शन में मास्ट होता है। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग स्थिर भी रहते हैं, ऐसे छत पर झंडा वंडा कहीं लगाते हैं, तो जिस तरफ हवा चलता है झंडा उधर ही रहता है, ठीक है, तो स्टैटिक जगह में तो सिंपल है पता करना, द डायरेक्शन ऑफ विंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मास्ट, बट फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स, अगर एक गाड़ी चल रहा है उसके ऊपर क्या होगा, तो द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू व्हीकल जो होगा दैट विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मास्ट, समझ रहे हो। स्टैटिक केस में विंड का डायरेक्शन डिसाइड करता है, बट इन मूविंग केस डायरेक्शन ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू द
मूविंग ऑब्जेक्ट और व्हीकल जो भी है उसके रिस्पेक्ट में जो विंड का वेलोसिटी आएगा या डायरेक्शन आएगा वो डिसाइड करता है मास्ट का डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को निकालना क्या होगा, यहाँ हम लोग को निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप। आर यू गेटिंग, विंड का डायरेक्शन देता है ना मास्ट का डायरेक्शन, तो हम लोग को चूंकि मूविंग ऑब्जेक्ट पर निकालना है तो एब्सोल्यूट वैल्यूज का काम नहीं करेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा रिलेटिव द डायरेक्शन ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप। करो करो इसको 20 जे कैप ना, मतलब कि नॉर्थ वर्ल्ड जे कैप मीन्स नॉर्थ, तो ये इस तरफ करें ऐसे चल रहा है। हाँ नॉर्थ है, तो विंड का स्पीड बचेगा वो हो जाएगा 20 आई कैप एंड 20 जे कैप। ठीक है, एंड हम लोग को निकालना है विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप। तो इसमें क्या करेंगे, विंड में शिप वाला क्या है, शिप का कितना है 20 आई कैप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या बचेगा 20J, एंड 20J मींस डायरेक्शन ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप इज नॉर्थवर्ड, तो मास्ट का डायरेक्शन नॉर्थवर्ड। ठीक है, ओके ये हो गया। अभी रिलेटिव वेलोसिटी में देखो कई तरह का प्रॉब्लम्स होता है, मैं बता रहा हूँ उसमें क्या क्या होता। सबसे जो मेन टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, एक होता है रिवर का प्रॉब्लम आता है, रिवर फ्लो कर रहा है, एक स्विमर है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्रॉस करने में क्या क्या चीज हो सकता है, अगर रिवर फ्लो कर रहा है, एक आदमी उसको स्विम करके ट्राई कर रहा है पार करने का, तो क्या होगा, आदमी थोड़ा सा ड्रैग हो जाएगा, थोड़ा सा ड्रैग हो जाएगा पानी के फ्लो की वजह से। इसमें तुम्हारा निकालने का आता है कि वो कितना ड्रैग होगा जब आगे पहुंचेगा तो। ठीक है, दोनों का स्पीड दिया हुआ रहेगा, रिवर का स्पीड और आदमी का स्पीड दिया हुआ रहेगा, कितना ड्रैग होगा। फिर उसके बाद अगर आदमी को एकदम सामने सामने लैंड करना है, एकदम सामने बैंक पर अपोजिट पॉइंट पर, तो उसको अपना ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा, फिर वो सीधा चलेगा तो ड्रैग होके आगे निकल जाएगा, उसको थोड़ा सा टेढ़ा होकर चलना पड़ता है, तो कितना एंगल से चलेगा ताकि वहां पहुंचे, फिर हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द रिवर, तो ये सब रहता है। तो उसमें रिवर स्विमर वाला एक टाइप होता है प्रॉब्लम। फिर एक दूसरा टाइप होता है इसका अम्ब्रेला का होता है, जैसे कि जैसे पानी ऐसे गिर रहा है तो हम लोग अम्ब्रेला के ऊपर रखते हैं। अब अगर हम लोग अगर चलने लगे, ठीक है, किसको नहीं पता है अम्ब्रेला का मतलब, अगर हम लोग चलना शुरू कर दिए तो क्या होगा, देखो चलो ध्यान दो सामने देखो, अगर चलना शुरू कर दिए तो क्या होगा कि हमारे रिस्पेक्ट में जो रेनड्रॉप का डायरेक्शन है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तो चूंकि तिरछा होता है डायरेक्शन तो हम लोग को जो अम्ब्रेला होता है वो भी थोड़ा सा टिल्ट करके रखना पड़ेगा रेन के सामने में, तो हम लोग को डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला निकालना होता है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होता है रेन अम्ब्रेला का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसमें भी बहुत वेराइटी होता है कि रेन पहले से किसी एंगल पर गिर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या रखेंगे, फिर एक इंक्लाइन पर अगर चल रहे हैं और रेन भी गिर रहा है तो इस टाइप का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एरोप्लेन और विंड वाला प्रॉब्लम होता है, जैसे कि शिप का किए, ठीक है, तो विंड की वजह से एरोप्लेन भी थोड़ा सा ड्रैग हो जाता है इस टाइप का, ये तीन चार प्रॉब्लम इसमें होता है। तो सबसे पहले तो बुक खोलो और एक प्रॉब्लम है स्विमर का वो पढ़ो पहले, ठीक है, 46 नंबर रिवर स्विमर वाला प्रॉब्लम है।
46 इसको पढ़ा दो